Hello everyone, good evening everybody, am I audible to each and everyone? Yes, audibility absolutely fine. We are live now, this is Mohit here and welcome to the test book guys. Sabhi log mujhe dekh pa rahe hain, sun pa rahe hain, confirmation denge. Toh yaar, is audibility absolutely fine to each and everyone? Chaliye. So guys, aap sabhi bachon ne ek naam to suna hoga jiska naam hai Hawkins aur ye naam aapne tab suna hoga jab hamara एक कुकर जो होता है जिसको हम लोग प्रेशर कुकर बोलते हैं, तो जब भी हम लोग ये नाम सुनते हैं घर के अंदर बचपन से आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि हॉकिंस का नाम यूज किया जाता है, तो गाइस नो डाउट ये सही बात है। और हॉकिंस एक ऐसी कंपनी है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ 1959 में फाउंड हुई थी, जब शायद आपका और मेरा हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था और शायद हमारे पेरेंट्स का भी जन्म नहीं हुआ था, तभी से ये कंपनी जो है गाइस प्रेशर कुकर बना रही है, क्लियर। और अभी तक की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी कंपनी है और काफी बड़ी कंपनी है हॉकिंस, और हर साल बेटा हॉकिंस जो है आप लोगों के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट निकालती है, हर साल पोस्ट निकालती है मैनेजमेंट ट्रेनी की, और ये आपका जो है रिटन एग्जाम भी लेते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम भी अगर मैं बात करूं तो हॉकिंस का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ था मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बताया था, लास्ट टाइम भी मैं अगर बात करूं तो हॉकिंस का जो रिक्रूटमेंट था मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बताने की पूरी पूरी कोशिश करी थी, और एक बार फिर गाइस वापस हॉकिंस का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अब बात आती है कि कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं और किस तरीके से इसका रिक्रूटमेंट होता है, तो अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं, तो बेटा मैनेजमेंट ट्रेनी जो होता है उसको सैलरी जो रहती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान, जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो 9 लाख रुपीस पर एनम मिलता है, लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन के बाद 12 लाख रुपीस पर एनम मिलता है। अब बात आती है इसके लिए कौन एलिजिबल होता है, तो जरा आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, राइट। जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा इसके लिए कौन एलिजिबल होते हैं और कौन एलिजिबल नहीं होते। तो दो तरीके की पोस्ट निकलती है, एक होती है सेल्स और मार्केटिंग की, राइट। तो सेल्स और मार्केटिंग वाली जो जॉब होती है मोस्टली इसके अंदर लिखा रहता है, इसको आपको किसी भी टाउन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जॉब मिलती है, और आफ्टर सम सेल्स एक्सपीरियंस आपको प्रॉमिस किया जाता है कैंडिडेट को कि उनको मार्केटिंग प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजों के अंदर एंटर किया जाए। और जो दूसरी जॉब होती है गाइस आप लोगों के लिए खास करके इंजीनियर्स के लिए वो होती है टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कौन बच्चा एलिजिबल होता है जरा वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो या आप लोगों ने इंजीनियरिंग करी हो, यानी कि डिप्लोमा किया हो या बीई बीटेक किया हो। दूसरी बात, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर किया हो तो भी चलेगा, मतलब या तो डिप्लोमा किया हो या बीई बीटेक किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी ब्रांच कौन सी होनी चाहिए, तो ब्रांच आपकी मैकेनिकल भी चलेगी, ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल भी चलेगी, ब्रांच आपकी सिविल भी चलेगी, टूल डिजाइन भी चलेगी, मैन्युफैक्चर भी चलेगी, प्रोडक्ट डिजाइन भी चलेगी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी चलेगी, मटेरियल साइंस भी चलेगी, क्वालिटी कंट्रोल भी चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगी और सेंसर एंड रोबोटिक्स भी चलेगी। ये सारी ब्रांचेस के लिए गाइज आप लोगों को यहाँ पर क्लियर, ये सारी ब्रांचेस के लिए आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबल किया जाता है। अब बात आती है सर ये जो नोटिस आया है ये कहाँ पे आया हुआ है, तो चलिए जरा हॉकिंस की वेबसाइट पे चलते हैं। तो आपको हॉकिंस की जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर। चलिए तो हॉकिंस के अंदर जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे तो सबसे पहला ये हॉकिंस की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आज ही अपडेट हुआ है, आप इसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग को क्लिक करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैंडिडेट की एज लिखी हुई है कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बच्चे के मन में ये भी डाउट आता है सर क्या फ्रेशर एलिजिबल है, तो यार यहाँ पर एक साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि फ्रेशर जो होते हैं ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई ऐसा कुछ है क्या कि अगर हम आज से 5 साल पहले पास आउट हुए तो एलिजिबल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें तो सर हमारी जो जॉब लगती है वो कहाँ लगती है, आपकी जो जॉब लगती है वो मुंबई में लगती है, मुंबई फैक्ट्रीज में जो कि थाने के अंदर है, पंजाब में लगती है होशियारपुर के अंदर और सतियारिया के अंदर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 जगह है जहां पे हॉकिंस के ऑफिसेज हैं, एक मुंबई थाने में आता है, एक आता है होशियारपुर पंजाब में आपने नाम सुना होगा, और एक आता है बेटा सतारिया जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों की 18 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। देन अगर हम बात करते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट आपके अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पर्सन विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस में स्टार्ट हायर, मतलब जिन बच्चों का एक्सपीरियंस ज्यादा है वो बच्चे इंटरव्यू में थोड़ा सा अपना हाई सैलरी भी मांग सकते हैं, उससे भी उनको कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। अब आती है बात कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 28 साल होना चाहिए। यहाँ पे कोई बेटा रिजर्वेशन की बात नहीं है कि आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो ज्यादा एज के भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी एज 21 से 28 साल होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको भरने का जो तरीका है वो क्या है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक 200 वर्ड्स के अंदर क्लियर आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा कि आप ये जॉब ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। इसको बोला जाता है बेटा एसओपी, क्या बोला जाता है, एसओपी बोला जाता है। तो आपको एक पेज के ऊपर बढ़िया तरीके से ये लिखना है कि आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो 200 वर्ड्स के अंदर। जब आप इसको 200 वर्ड्स में लिख देते हो तो उसके बाद आप लोग क्या करते हो, यहां पर जाकर के अप्लाई करते हो। अब आप अप्लाई कहां करोगे, टेक्निकल इंजीनियरिंग में जाके। तो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जब आप अप्लाई करोगे तो यहां पर ये अप्लाई का ऑप्शन आता है। जब आप अप्लाई करने जाओगे यहां पे तो आप अपना नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे,
सरनेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका रेजिडेंस डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो आप यहां डाल सकते हो, जैसे लिखा फ्रेशर, ये लिखा है प्रेजेंटली एम्प्लॉयड अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो, या फिर नॉट एम्प्लॉयड प्रेजेंटली ये भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है बेटा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आता है फिनिशिंग डिप्लोमा, मतलब आपका डिप्लोमा हो चुका है, फिनिशिंग ग्रेजुएशन मतलब आपका अभी आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिप्लोमा होल्डर हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये आप कर सकते हो। उसके बाद आता है वेयर डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब पोस्टिंग, मतलब ये आपको इस जॉब के बारे में कहां से पता चला, तो आप लिख सकते हो इन न्यूज़पेपर में पता चला क्या, नहीं भाई आपको मैंने बताया तो आप लिख सकते हो ऑन यूट्यूब और सोशल मीडिया, राइट, सोशल मीडिया लिख सकते हो, यूट्यूब लिख सकते हो। फिर आप और उसके बाद क्या करना है, अपलोड योर बायोडेटा, आपको यहाँ पे अपना बायोडेटा, बायोडेटा मतलब क्या होता है, नॉर्मल आपका सीवी जिसको आप रेज्यूमे बोलते हो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद बेटा यहाँ पर आपको ये 200 वर्ड में जो मैंने लिखा है क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है, रीजन व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग हॉकिंस, क्या रीजन है कि मैं हॉकिंस ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसके बारे में 200 वर्ड में आपको यहाँ पे ये लिखना है। अब आता है इसके बाद आपका मोबाइल वेरिफिकेशन, ओटीपी करेंगे, सबमिट करेंगे। इसके बाद हॉकिंस करता है क्या, आप लोगों को इंटरव्यू और क्लियर रिटर्न एग्जाम के लिए कॉल करता है। और याद रखना अगर आपका रिटर्न क्लियर होता है तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हो, ऐसा जरूर नहीं है बेटा कि आपने फॉर्म भरा तो आपका आपको है ना, आपने फॉर्म भरा तो आप लोगों का है ना रिटर्न के लिए कॉल आएगा, और रिटर्न के लिए कॉल आएगा तो जरूरी नहीं कि इंटरव्यू के लिए आएगा ही आएगा, आपके रिटर्न के बेसिस पे आप लोगों को इंटरव्यू और जीडी के लिए कॉल किया जाता है। और जब आपको कॉल किया जाता है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आपको जीडी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, मुंबई में बुलाया जाता है, उसके लिए आपको टायर 3 एसी ट्रेन का टिकट भी दिया जाता है, उससे आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर होगा ये बात, तो बेटा ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल है, ग्रेजुएट बच्चे भी एलिजिबल है, आप कभी के भी पास आउट हो एलिजिबल हो, आपकी कोई भी ब्रांच हो आप एलिजिबल हो। क्लियर, ये भरने का तरीका है, फॉर्म फिलअप करने का तरीका भी मैंने बता दिया कि आपको कैसे फिलअप करना, हॉकिंस की वेबसाइट पे जाकर के करना है। क्लियर, अब इसके अलावा बेटा कोई भी बच्चे को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, एज लिमिट 21 से 28 साल तक की है, कोई भी बात अगर आपको जाननी है उसके बारे में कि सर ये है कि वो है कि मैं हूं कि फलाना हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ना करके आप बेसिकली इस वीडियो को जब देखोगे तो आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ी है मैंने जो मैंने यहाँ पर आपको नहीं दी है। क्लियर, अब बात आती है एसओपी क्या होता है, एसओपी का क्वेश्चन ये है, ये चाहते हैं वो, भाई एक बात बताओ अगर तुम किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, मान लो तुम मेरी कंपनी में आना चाहते हो, तो मैं तुमसे क्या पूछूंगा, क्यों भाई तू मेरी कंपनी में क्यों आना चाहता है, तो तुम जिस कंपनी में जाना चाहते हो उसका रीजन तुम्हारे पास होना चाहिए ना, अगर तुम हॉकिंस ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए ना, तो थोड़ा दिमाग से सोचो, मैं तो बता दिया वही का वही सब लिख के आ जाओगे तो फिर समझ जाएंगे वो कि एक जैसा सब कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे गौर करो। क्लियर, और सोचो कि मैं हॉकिंस क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं, अपने बारे में लिखो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या, आप हार्डवर्कर हो क्या, है ना, हॉकिंस ये काम करती है, आप अपना इनपुट कैसे दे सकते हो, ऐसा थोड़ा सोच के 200 वर्ड्स में लिख दो। बात समझ में आ गई, क्या लिखेंगे 200 वर्ड में, क्या लिखेंगे सर मेरे को फिर बताओ, तुम्हारी कोई कंपनी है, तुमने खुद की कंपनी खोली, तुमने दुकान खोल ली, अब दुकान में छोटू आया बोलता भैया मेरे को काम पर रख लो, तो तुम उसको क्या बोलोगे, क्यों तुम मेरी दुकान पर क्या काम करना चाहता, बगल वाली में काम करना क्यों नहीं चाहता, तो छोटू को आंसर देना पड़ेगा ना। क्लियरिटी हो गई, सैलरी कितना है सब कुछ बता चुका हूं बेटा, जो बच्चों ने क्लास को 6 बजे के बाद ज्वाइन किया वो एक बार फिर से देख लीजिएगा, सैलरी एज लिमिट से लेकर सब कुछ बता चुका हूं। एक बार ये और बता देता हूं कहां से अप्लाई करना है, नॉर्मली आप गूगल पे हॉकिंस की वेबसाइट सर्च कर लीजिएगा, सिर्फ हॉकिंस डाल दीजिएगा, और हॉकिंस में जब जाओगे ऐसा गूगल पे सर्च होने के बाद आता है तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाइएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाओगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे जाओगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे जाओगे टेक्निकल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर दीजिएगा, ये अप्लाई करने का पूरा फॉर्म आ चुका है। इतनी बात क्लियर होती है, यस सर। सैलरी कितनी है एक बार और सैलरी बता देता हूं, सैलरी के बारे में बता देता हूं, तो आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग 9 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, ऑन कंफर्मेशन जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है 18 महीने की तो 12 लाख का पैकेज हो जाता है। क्लियरिटी हो गई इस बात की, एब्सोल्युटली क्लियरिटी हो गई, ठीक है। तो ये 9 लाख का पैकेज है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग 18 महीने की ट्रेनिंग है, 3 जगह पोस्टिंग आनी है, या तो मुंबई में आनी है, क्लियर, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या होशियारपुर में आनी है, यानी कि या फिर जौनपुर उत्तर प्रदेश में आनी है, 3 ही जगह पर ट्रेनिंग होती है। क्लियर, और 200 वर्ड्स में आपको ये लिख के अपलोड करना है यहाँ पे कि भाई आप ये ट्रेनिंग ये आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर आपको यहाँ पे अपलोड करना है आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्वेश्चन उनका ये है कि भाई व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग, कुछ ऐसा लिख दो कि वो आपसे आपके है ना आपकी बातों को समझ के उनको बड़ा मजा आ जाए। क्लियर, और दूसरी बात, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सीट्स कितनी है, तो बेटा हॉकिंस ऐसे सीट डिक्लेयर नहीं करता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल होती है, बट फिर भी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 250 के ऊपर ही होती है, ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा होती है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि जिसके अंदर पहले से आपको सीट बताएंगे फिर ये बताएंगे एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, फलाने का कितना है, हैंडीकैप का कितना है, तो ये वैसा जॉब नहीं जिसमें बताएंगे
यहाँ पे वही बच्चा सिलेक्ट होगा जो डिजर्विंग है। सबसे पहला डिजर्विंग बच्चा यहाँ पे आएगा जो ये बता पाएगा कि मैं हॉकिंस क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड, तो मेरी एक वीडियो आ जाएगी, पहले जब जब इसके एग्जाम हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है। क्लैरिटी है क्या? यस सर, ठीक है। और इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब तक होगा, इसके रिगार्डिंग में सारी आपको इन्फॉर्मेशन आने वाली वीडियो में दे दूंगा। पहले आप लोग इसको अप्लाई कर लो आराम से, शांति से, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पहले अप्लाई कर लो फिर बात कर लेंगे। इसमें अप्लाई करने में आपको किसी तरीके के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं तो पहले उसको शांति से अप्लाई कर ले। पहले अपने आपको इस कैपेबल बना लो कि ये आंसर लिख पाओ कि 200 शब्द में कि मैं ये ज्वाइन क्यों करना चाहता हूं। उसके बाद रिटर्न एग्जाम के बारे में पूछना, उसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में पूछना, उसके बाद सिलेबस के बारे में पूछना। पहले इनका एक स्टेप क्लियर कर ले। क्लियर हो गई बात को? क्लियर। चलिए, और इसको मैं पीडीएफ को मैं टेलीग्राम से सेंड कर दूंगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए तो फिर मिलते हैं, और जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो वापस वीडियो को पूरी तरीके से शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। क्लियर। चलिए, सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जो एलिजिबल नहीं होती है। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी ब्रांचेस एलिजिबल होती है, डिप्लोमा हो या बीटेक हो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब एलिजिबल होते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल एवरी ब्रांच इज एलिजिबल, मटेरियल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो। क्लियरिटी है क्या? यस सर। और अगर आप कंपनी के बारे में बात करना चाहते हो तो कंपनी के बारे में बता देता हूँ। कंपनी 1959 में फाउंडेड हुई थी। क्लियर। और 2023 में इनका इन्होंने 1,006 करोड़ रुपए का सेल्स किया हुआ है, मतलब सामान बेचा है कितने का, 1,006 करोड़ का। और उस 1,006 करोड़ में से 95 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट है 2006 के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो कंपनी वॉज गुड, कंपनी इज नॉट बैड, राइट। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच। अब बेटा, कुकर बनाने में कोडिंग क्यों आनी चाहिए? मतलब तुम लोग का दिमाग क्या बिल्कुल घास चरने चला गया है क्या कि मतलब प्राइवेट जॉब मतलब कोडिंग? बेटा थोड़ा सा समझा करो, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट इज नॉट अ आईटी कंपनी, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसमें कोडिंग क्यों आना चाहिए? और पहली बात तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच को यहां एलिजिबल ही नहीं किया है। इधर देखो जरा, यहां पे कोई कंप्यूटर साइंस ब्रांच को एलिजिबल नहीं किया है। थोड़ा लॉजिकली समझा करो, प्राइवेट कंपनी का मतलब केवल है ना कोडिंग नहीं होता। पंखा बनाने वाली कंपनी भी बहुत बड़ी है देश के अंदर, जिसका नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एबीबी, श्नाइडर इलेक्ट्रिक जो लिफ्ट बनाती है उसमें काई की कोडिंग आनी चाहिए? क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा दिमाग से आराम से सोच के, थोड़ा पेशेंस रख के, प्यार से है ना, प्यार से हैंडल करते हैं। जब इतने सारे बच्चों को मैं नोटिफिकेशन बताता हूँ ना, कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, उन्हें बोला पता चल गया, अब देख मैं आज ही अप्लाई करता हूँ, खत्म। क्लियरिटी है? तो आराम से बेटा, थोड़ा पेशेंस के साथ एज अ इंजीनियर बिहेव जब हम करने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में रहती है। क्लियर। चलिए, तो मिलते हैं इसी तरीके से, है ना। तो बुरा मत मानना मेरी इस बात का, एक एज अ टीचर आपको ये बात बता रहा हूं, ऑलवेज टेक अ पेशेंस एंड ऑलवेज डू अ थिंग्स इन अ राइट वे। क्लियर। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।